Hello children, I'm Priyanka and I'm your mentor. Today we'll start with the chapter eight, that is Chennai, the city of temples. Let's kick start. Name this famous personality of Chennai. Hint: He was popularly known as Rajaji. Chennai. Chennai is the capital of Tamil Nadu. It was earlier called Madras. चेन्नई इज लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फेसिंग द बे ऑफ बंगाल इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट एंड अ बिग इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेंटर इट इज़ द फोर्थ मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ इंडिया चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की कैपिटल है और उसको पहले मैड्रास बोला जाता था चेन्नई जो है वो हमारे इंडिया के साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया पे सिचुएटेड है फेसिंग द बे ऑफ बंगाल। चेन्नई में एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट पोर्ट है जहाँ से बड़ी इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल सेंटर्स को चलाया जाता है इट इज़ द फोर्थ मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ इंडिया इसको फोर्थ मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है history chennai was founded by the british soon after they began arriving in india for trading about 400 years back but the history of the city goes as far back as 2nd century when it was ruled by pallava and chola kings it remained कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश अप टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947. फोटी सेवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इज वॉज मेड कैपिटल ऑफ तमिलनाडु विच वॉज देन कॉल्ड मैड्रास स्टेट चेन्नई जो है वो ब्रिटिशर्स ने फाउंड किया था जब वो यहाँ पे ट्रेड करने आए थे उसके 400 साल बाद बट द हिस्ट्री गोज़ फार बैक और सेकेंड सेंचुरी वहाँ से स्टार्ट हुई जहाँ से पल्लवा और चोला किंग ने यहाँ पे रूल किया इट रिमेंड अंटर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश अप टू इंडिपेंडेंस जो चेन्नई है वो इंडिपेंडेंट होने तक 1947 तक ब्रिटिशर्स ने उसको रूल किया कंट्रोल किया बट आफ्टर इंडिपेंडेंस It was made capital of Tamil Nadu, which was then called Madras State. Climate: Climate being a coastal city has a wet and dry climate. There is no extreme variation in seasonal temperatures. The hottest part of the year is late May to early June. The coolest part of the year is January. The city gets मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम मिड अक्टूबर टू मिड दिसम्बर चेन्नई जो है वो एक कोस्टल सिटी है जो पानी के साथ में हैज़ अ वेट एंड ड्राई क्लाइमेट उसका जो क्लाइमेट है वो वेट और ड्राई दोनों ही रहता है वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रीम वेरिएशन नहीं देखने को मिलती हॉटेस्ट पार्ट यहाँ पे मे के लास्ट से शुरू होता है और जून तक रहता है और सबसे ज़्यादा सर्दी यहाँ पे जनवरी में पड़ती है और सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ मिड अक्टूबर से लेके मिड दिसंबर तक होती है नाउ टूरिस्ट अट्रैक्शन चेन्नई इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट सेंटर सम ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन आर मेरीना बीच एंड कोवलोंग बीच गांधी मांडापाम फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड एमजीआर मेमोरियल Government Museum, Gindi Snake Park, Thousand Lights Mosque and Adeshwar Temple, Kapaleshwar Temple. Kovlog Beach is one of the finest beach on the coast of Coromandel. It is located at a distance of forty kilometers from Chennai, away from the humdrum of city life. इट इज अवटिफुल एंड काम प्लेस फॉर टूरिस्ट कापलेश्वर टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स कार्विंग चेन्नई ऑल्सो हैज मैनी हॉल चेन्नई ऑल्सो हैज मैनी मॉल्स कॉवलोंग बीच जो है वो फाइनेस्ट बीच में से माना जाता है जो कॉरामडल के कोस्ट पे है वो कम से कम चालीस किलोमीटर दूर है चेन्नई से और चेन्नई के शोर शराबे से भी बिल्कुल दूर यहाँ पे ये कॉवलोंग बीच एक बहुत ही शांत और सुंदर जगह मानी जाती है कापालेश्वर टेम्पल जो है वो अपनी स्टोन कार्विंग्स के लिए फेमस है ना फेस्टिवल चेन्नई सेलिब्रेट्स मेनी फेस्टिवल्स सच एज़ अरुबाती मुवार ममाालापुरम महामहम, कंथुरी एंड नवरात्र बट पोंगल इज द मोस्ट पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द सिटी फेस्टिवल फेस्टिवल क्या होते हैं त्यौहार यहाँ पे बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं जैसे आरुबाती मुवार, ममालापुरम महामहम कंथुरी एंड नवरात्रि बट पोंगल जो होता है वो यहाँ का पॉपुलर फेस्टिवल माना जाता है पोंगल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल यूजुअली इन द मंथ ऑफ जनवरी द फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ द ट्रेडिशन फार्मिंग सीजन द रिचुअल्स ऑफ द फेस्टिवल इंक्लूड द वर्शिप ऑफ लॉर्ड सन मदर अर्थ एंड द कैटल ऑफ रियरिंग अ गुड हार्वेस्ट पोंगल जो है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और ये जनवरी में मनाया जाता है बेसिकली इस फेस्टिवल को एंड ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग सीजन भी कहा जाता है क्योंकि पोंगल में हार्वेस्ट होता है मतलब धान काटे जाते हैं इस फेस्टिवल में सूरज भगवान और धरती माता की पूजा की जाती है और अच्छे हार्वेस्ट के लिए प्रार्थना भी Now local transport Chennai has the best local transport service in the country it is user friendly eco friendly and gives full connectivity cng is the most preferred fuel used for most of the vehicles the means of transport includes buses taxis auto rickshaws and suburban railway network बसेस आर द मेन एंड लो प्राइस सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन चेन्नई चेन्नई का जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है यहाँ पे यूजर फ्रेंडली और इकनॉमिकल फ्रेंडली कनेक्टिविटी है यहाँ पे ज़्यादातर वहीकल्स में सी एन जी यूज़ की जाती है और बसेस टैक्सी ऑटो रिक्शा And suburban railway network Yahape Zada popular hai. Culture. Residents of Chennai are famous for their hospitality and warmth. They believe in deep rooted customs, peace, brotherhood, and mutual respect. Rice is the main food. It is eaten with sambar, rajma, curd, idli, dosa. वड़ा अपम एंड उत्तपम आर पॉपुलर स्नैक्स जो चेन्नई के रेजिडेंट होते हैं वो हॉस्पिटैलिटी और वॉम्थ के लिए बहुत ही फेमस होते हैं वो अपने अतिथियों का बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं उनमें बहुत ही अच्छी वैल्यूज होती हैं और उनका जो फेवरेट फूड है और जो मेन खाना है वो सांबर राजमा चावल दही इडली डोसा वड़ा अपम उत्तपम आदि हैं चेन्नई इज़ पॉपुलर फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल्स चेन्नईज़ फिल्म इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्म्स। चेन्नई जो है वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत ही पॉपुलर है और चेन्नई की जो फिल्म इंडस्ट्रीज है वो लार्ज नंबर ऑफ फिल्म्स बनाती है मतलब बहुत सारी फिल्में बनाती हैं इट हैज ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और यह एक इम्पॉर्टेंट सेंटर भी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज का चेन्नई इज होम टू वेरियस रिलीजियंस एंड लैंग्वेज पीपल रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन एंड लिव इन हारमोनी तमिल इज द मदर टंग बट लैंग्वेज लाइक इंग्लिश फ्रेंच portuguese telugu urdu kannada bengali malayalam are also spoken men wear veshti that is dhoti and shirt they also wear trousers women wear saris during festivals girls wear pavadai which is a long skirt people usually wear cotton clothes throughout the year chennai रिलीजियस लैंग्वेज का घर माना जाता है यहाँ पे हर एक रिलीजन को बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता है और सब लोग यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं यहाँ की मातृभाषा तमिल है लेकिन इंग्लिश फ्रेंच पोर्टुगीज़ तेलगू उर्दू कन्नड़ा बंगाली और मलयालम भी यहाँ पे बोले जाते हैं जो आदमी लोग हैं वो यहाँ पे धोती और शर्ट पहनते हैं और औरतें जो हैं वो साड़ियाँ पहनती हैं और लड़कियाँ पवादई पहनती हैं जो एक लॉन्ग स्कर्ट होती है और पूरे साल ये लोग कॉटन के सूती कपड़े ही पहनते हैं नाउ स्पेशल फीचर्स चेन्नई इज ऑल्सो नोन एज अ गेट वे ऑफ साउथ इंडिया भरतनाट्यम इज अ फेमस डांस ऑफ तमिलनाडु Chennai is famous for its music, art and weaving. The tidal park of this capital city is the largest IT park in Asia. It houses head offices of the leading software companies. Now it's time to looking back. Chennai is the 4th most popular city of India and capital of Tamil Nadu. It was founded by the British. Chennai has a wet and dry climate. The Kovlong Beach is a great tourist attraction in Chennai. Kapaleshwit Temple is famous for its stone carvings. Pongal is a harvest festival and is celebrated in Chennai with great rituals. Local transport in Chennai is user friendly and eco friendly. Now it's time to say goodbye. We'll meet in the next class students.